नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितिक। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और नतीजों के घोषित होने के बाद लगातार नए सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और इसी बीच अभी हम खड़े हैं पटना में, पटना के मुख्यमंत्री आवास में। ये पटना का एक अणे मार्ग है जहाँ पर हम खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का आवास है जहाँ पर आज NDA के तमाम विधायक दलों की बैठक होनी है। और आज मैं आपको बता दूँ कि आज तमाम जो NDA के विधायक हैं जिन्होंने जीत दर्ज की इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, उनकी बैठक होनी है। अहम बैठक भी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 15 नवंबर को 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर NDA के तमाम विधायक दलों की बैठक होगी और इसी बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ फैसले होंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और आज ही औपचारिक तौर पर मोहर भी लगेगी मुख्यमंत्री के नाम पर और उम्मीद है कि कल मुख्यमंत्री शपथ भी ग्रहण करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल अभी हम खड़े हैं एक अणे मार्ग में। ये पटना का एक अणे मार्ग है जहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास मौजूद है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर हलचल और सरगर्मी दोनों तेज़ है। आपको आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है और लगातार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा, ज़रा आप यहाँ पर कैमरा घुमा कर दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर लगातार हर एक पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं, लगातार विधायक भी आ रहे हैं। विधायकों का आना जाना शुरू है और विधायक अभी लगातार आ रहे हैं और अंदर मुख्यमंत्री के आवास में बैठक चलने वाली है। और ये बहुत बड़ी बैठक इसलिए भी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो खुद आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में। ये बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, कई बड़े अहम फैसले होंगे और इस फैसले में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हाल में घोषित हुए उसमें NDA ने 125 सीट के साथ बहुमत के साथ जीत हासिल की है, तो वहीं महागठबंधन पीछे पड़ गया और बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मार गई तो NDA। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि NDA में BJP ने 74 सीट के साथ जीत दर्ज की। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें JDU ने 43 सीट पर कब्जा जमाया और कुल मिलाकर NDA ने 125 सीट के साथ बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। और आज 15 नवंबर है और ये मुख्यमंत्री आवास है मेरे पीछे, मुख्यमंत्री आवास पर आज विधायक दल की, तमाम NDA के विधायक दल की बैठक होनी। इससे पहले, इससे पूर्व पटना के BJP कार्यालय में BJP के तमाम विधायकों की बैठक हुई जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और साथ साथ उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। और आज अभी इसके अंदर में बैठक चलने वाली है मुख्यमंत्री आवास में और कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ फैसले होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।